हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल का पार्ट 3, जिसमें हम आज बात करेंगे डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने बात की थी कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो उसके फोर्स, टॉर्क, एनर्जी क्या क्या होंगी, सारी बातें करी। अब बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म किस केस में हो सकता है। या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे या उसकी डायरेक्शन वेरी करे, क्योंकि एक वेक्टर है, वेक्टर दोनों तरीके से वेरी कर सकता है। तो यहाँ हमने केस लिया है जिसमें डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। ऐसा कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें एक डाइपोल पी आपको दिखा रखा है, वो रखा हुआ है। तो क्या हम सर्टेनली ये कह सकते हैं कि इस केस में इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा? जैसा कि यूनिफॉर्म में हमने बोला था कि यूनिफॉर्म में कहीं भी रखा हो, किसी भी पोजीशन में रखा हो, फोर्स जीरो होता था। लेकिन क्या नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा कह सकते हैं? तुम सोचो कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहा जा सकता है कि इस पे नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, क्यों ऐसा? भाई देखो, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड भी वेरिएशन है और डायरेक्शन में भी वेरिएशन है। तो नेट फोर्स जरूरी नहीं है ना कि इस पे जीरो हो, बिल्कुल ऐसा है। इसलिए यहाँ पे फोर्स कैसे निकाला जाए? अब हम हर जगह तो ये नहीं बता सकते ना कि एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है या नेगेटिव चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसके बाद हम उनका सम कर लें। हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि क्या करें। याद करो, हमने बात करी थी जब वर्क पावर एनर्जी में, तो क्या बोला था? एक फॉर्मूला दिया था हमने फोर्स और एनर्जी को रिलेट करता हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता हुआ। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या लिखा जा सकता था? एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और यहीं से हमने बोला भी था वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यहीं से आया था ये। सो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। ओके, अगर मैं इसमें फोर्स वेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ हम या डी आर लिख लेते हैं इसे, डी आर, आर कैप कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसे और क्या लिखा जा सकता है? तो अगर U जो है वो x, y, z तीनों के फंक्शन में दे रखा है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो क्या लिखेंगे? डेल U बाई डेल x i कैप, डेल U बाई डेल y j कैप, डेल z k कैप। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें ये रिलेशन वैलिड होगा। तो अगर हम उस डाइपोल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकें, उसके लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकें, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके मुझे फोर्स मिल जाएगा? यस, आसान हो जाएगा काम। तो देखिए कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। मैंने बोला कि आपको एक डाइपोल दे रखा है विद डाइपोल मोमेंट लेट्स से 2aq i कैप, ठीक है। 2a उसकी लेंथ हो गई, q चार्ज हो गया, i कैप उसकी डायरेक्शन हो गई। ऐसा आपको एक डाइपोल मोमेंट दे रखा है और इस डाइपोल को उठा के आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है लेट्स से 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 3z k कैप। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। आपसे पूछा गया कि जब इस डाइपोल को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे ना, तो क्या करें? हम यहाँ से देखते हैं कि एनर्जी कितनी लिख सकते हैं इसकी। पर एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस फील्ड इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई। हमने प्रूव किया था पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, आई को आई से, आई को जे से, आई को के से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो बताओ, आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा? माइनस टू ए क्यू इंटू टू एक्स, ये हो गया आई डॉट आई। आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के भी जीरो होता है, तो वाई जेड तो वैसे भी खत्म हो गए। तो बचा क्या आपके पास? खाली ये यू इक्वल टू माइनस फोर ए क्यू एक्स, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पूछा क्या गया? फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ इक्वल टू माइनस, अब यहाँ तो इसको डी यू लिख देते हैं सीधा, पार्शल की तो जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा एक्स में ही है। क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी से? तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4aq, x का डिफरेंशिएशन 1 खत्म हो गया, i कैप, दिस इज
the force experienced by this dipole in this given electric field. Clear है? आसानी से किया जा सकता है. यहीं पे अगर मान लो dipole moment में कुछ और भी vector दिया होता, let's say y component भी दिया होता, 3aqy j cap ऐसा भी कुछ दिया होता, तो हम वो भी आप ऐड कर लेते. अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो y वाला कंपोनेंट भी आता है यहाँ पे, उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके वो फोर्स निकाल लेते हैं, तो साथ में एक y का कंपोनेंट, j कंपोनेंट भी आ रहा होता, कोई खास बात नहीं है उसमें. ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो ये तो बात हो गई. अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है, डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन गिवन है, आपने फोर्स निकाल लिया या आपने एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी यही है. ठीक है, अब एक बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल पास पास रखे हुए हैं. ठीक है, तो काम करते हैं, आप इसको नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करते हैं. पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल अगर पास पास रखे हुए हैं तो उसकी एनर्जी और उसकी वजह से एक दूसरे पे फोर्स कितना कितना होगा. चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक डाइपोल दे रखा है आपको, P कहाँ रखा हुआ है, तो एक पॉइंट चार्ज के पास में रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, जहाँ R जो है वो ये डाइपोल लेंथ जो D है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है. ये अप्रोक्सीमेशन हमने पहले भी लिया था. तो पूछा गया आपसे कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से. यार अब एक यहाँ पे सोचें अगर ध्यान से, तो देखो ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, इसकी वजह से अगर फील्ड देखा जाए तो अगर मैं स्ट्रेट इस पॉइंट पे देखूंगा तो लिखूंगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, पता है ना पॉइंट चार्ज का फील्ड. अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं जहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है डाइपोल, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ऐसा है, यहाँ अगर देखूंगा तो आर है डी बाई टू है, इसकी वजह से जो लेंथ बनेगी एक्स लेंथ से तो उसका फोर्स आएगा यहाँ, उसके वजह से फील्ड लिखा जाएगा और फिर फोर्स लिखा जाएगा. ऐसे अगर यहाँ देखा जाए तो वहाँ भी ऐसा ही लिखा जाएगा, तो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है. ये तो चलो फिर भी ठीक है कि इस डायरेक्शन में दे रखा है, आप आराम से लिख सकते हैं. अगर ऐसा नहीं दिया होता तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये वाला मेथड जो अभी हमने बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी लिख के क्या हम कर सकते हैं, या क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या हम वो पोटेंशियल एनर्जी वाला तरीका ना यूज़ करके कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं? तो देखो ध्यान से, बिल्कुल किया जा सकता है. सोचो कि पूछा क्या है आपसे, फोर्स ऑन डाइपोल है ना, बिकॉज ऑफ दिस. अच्छा एक बात बताओ कि दो चार्ज बॉडीज अगर पास पास रखी हुई हैं, दोनों एक दूसरे पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही होंगी, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाती हैं क्या? भाई एक दूसरे पे अगर एफ फोर्स लगा रही है तो ये भी इस पे एफ फोर्स ही लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट. यस बिल्कुल, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. तो एक बात अपने को समझ में आती है कि इस पे अगर यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है या जो भी इस पे एफ फोर्स लग रहा है उतना ही एफ फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में. तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि ये ना निकालने की बजाय मैं ऐसा कर दूँ कि फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू डाइपोल, ये निकालना मेरे लिए आसान होगा. और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखना आसान है, पॉइंट चार्ज की वजह से दो अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस एक डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे फील्ड लिखना बहुत आसान है, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो अगर मुझे उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड मिल जाता है ई, तो क्यू इंटू ई इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स मिल गया तो अपना आंसर मिल गया. ठीक है, तो देखिए क्या करें, ये कैसा पॉइंट है इसके लिए, इस डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है ये है कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. कितना होता था फील्ड याद करो, फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाज माइनस के पी बाय आर क्यूब है ना, फॉर्मूला याद है आप सभी को. अब मुझे बताओ माइनस के पी बाय आर क्यूब के हिसाब से माइनस का क्या मतलब होता था, बोलो बोलो. माइनस का मतलब था पी के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होता था. तो अगर पी वेक्टर इधर है तो यहाँ पे जो फील्ड लगेगा क्या, वो फील्ड इस तरफ लगेगा ई, पी के अपोजिट डायरेक्शन में होता था. ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि इस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स भी इधर लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज मान के चलते. तो अगर उस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो इस डायपोल पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यही अपने को पूछा था. फोर्स अपने को पता है, ई मिल गया, एफ लिखा जा सकता है क्यू इंटू ई. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन अपन देख चुके हैं, तो एफ आ जाएगा आपके पास क्यू इंटू के पी बाय आर क्यू,
This is nothing but the force experienced by the dipole as well as this point charge, but in opposite directions. Clear बात? तो ऐसा आराम से किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन. अब सोचो कि एक क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है कि अगर मैं दो डायपोल्स को पास में रख दूँ तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं. एक डायपोल आपने रखा है यहाँ पे, एक डायपोल रखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है आर. दिस डिस्टेंस इज आर. ओके, ये डायपोल से पी वन, दिस डायपोल इज पी टू. आपसे पूछा गया कि जो ये पी वन है, ये आप लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पी टू ड्यू टू पी वन. ये जो पी वन है ये पी टू पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये आपसे पूछा गया. अब क्या करें, एक तरीका तो हमें पता था. और ये दोनों पोजीशन कैसी है, दोनों साथ में रखे हुए हैं, जीरो डिग्री है, मतलब एक्सियल पोजीशन पे रखे हुए हैं ये. ओके, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इस पी वन की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालूं, फिर इस पॉइंट पे फील्ड निकालूं, यहाँ माइनस चार्ज है उसका फोर्स लिखूं, यहाँ प्लस चार्ज है उसका फोर्स लिखूं, देन नेट फोर्स P2 पे बताऊं. ठीक है, और दूसरा तरीका जो हमने अभी देखा था क्या था, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, रिमेंबर. तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगेन आपको ये दे रखा है कि जो R है दिस इज मच मच ग्रेटर देन एनी ऑफ द डाइपोल लेंथ. तो जो भी D1 या D2 आप लेते हैं डाइपोल लेंथ, इसके लिए D1 D2, उससे R बहुत ज़्यादा है. तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूला बनाए थे कल. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, मैं इसको लिखता हूँ E1. E1 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. तो लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ P2 ड्यू टू P1 इज E1, और E1 की वैल्यू आप सभी को पता है 2K P1 by R क्यूब, है ना. किसकी वजह से देख रहे हैं, P1, तो 2K P by R क्यूब होता था, P1 है तो 2K P1 by R क्यूब हो गया. अब मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द P2 इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड E1. भाई ये डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा, माइनस पी डॉट ई, यही होगा माइनस पी टू डॉट ई वन. फील्ड कौन सा है, ई वन. डाइपोल कौन सा रखा हुआ है, पी टू. पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, माइनस पी टू डॉट ई वन. अब दोनों देखो, ई वन पी टू दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट में कॉस जीरो वन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसे सीधा लिखा जा सकता है माइनस पी टू इन टू ई वन, कितना लिखा, टू के पी वन बाय आर क्यूब. ठीक है, आपको मिल गया U, इसको सही लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस टू के पी वन पी टू बाय आर क्यूब. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब मुझे पूछा क्या गया था, फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाय डी आर. डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखो एक माइनस यहाँ पे है, U में भी एक माइनस है, तो ये तो हो गए कैंसिल. तो अपन लिखते हैं प्लस ऑफ टू के पी वन पी टू, डिफ्रेंशिएट किसको करना है, वन बाई आर क्यूब को. वन बाई आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो मिलेगा माइनस ऑफ थ्री बाय आर पावर फोर. कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा माइनस टू के पी वन पी टू बाय आर पावर फोर, और ऊपर जो थ्री आया था तो ये आगे टू हो जाएगा सिक्स. भाई डिफ्रेंशिएट करके अंदर आएगा थ्री बाय आर पावर फोर माइनस का, तो थ्री इंटू टू हो गया सिक्स, नीचे आया आर पावर फोर, साथ में आया एक माइनस साइन. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स. ठीक है, और क्या यही फोर्स, भाई हमने अभी का निकाला फोर्स एक्सपीरियंस बाय पी टू ड्यू टू पी वन, क्या सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स P1 भी एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू P2? अभी तो हमने बात की थी कि जब दो चार्ज बॉडीज पास में रखी हो तो हमेशा फोर्स कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट. तो जितना फोर्स P1 P2 पे लगा रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स P2 भी P1 पे लगाएगा. और अच्छा ये माइनस का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस माइनस साइन. माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उधर था तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कैसा फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है. तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स कि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज है. ठीक है, अब ये आपका एक होमवर्क है कि आप इसको उल्टा प्रूव कीजिए. आप
P1 पे फोर्स निकालिए ड्यू टू P2, क्या करना पड़ेगा? P2 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे आप? E2 के वैल्यू लिख सकते हैं, यही 2K P2/R³। फिर अब इसकी एनर्जी लिखिए, तो इसकी जब एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे P1 dot E2 माइनस के साथ, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या सेम आंसर आता है? ऑब्वियसली आएगा, सारी चीज़ें तो वही चल रही हैं, P1 P2/R³। तो एक बार ट्राई कीजिए कि क्या सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे थोड़ा सा, एंड फिर देखते हैं कि अब उसमें क्या वेरिएशन आता है उसका फोर्स और उसकी एनर्जी में। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पोजीशन पे ट्राई करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, इसमें दोनों डाइपोल्स को पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर, और अब बताने की जरूरत नहीं है कि जो आर है वो बहुत बड़ा है, हम इसमें जो अपना अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना है। ऑब्वियसली जितना फोर्स P2 P1 पे लगा रहा है उतना ही P1 भी P2 पे लगाएगा, एक ही बात है, कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का फोर्स बताइए, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कितना मैग्नीट्यूड है, सारी बातें एक ही तरीके से उसमें अपने को फाइंड करनी है, पूछने का तरीका कुछ भी हो। अब क्या करें, तो वही क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, अपने को एनर्जी लिखनी पड़ेगी और एनर्जी के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए फील्ड लिखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फील्ड लिखता हूँ, और अपने को पता है कि ये जो P1 है ये ऐसा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड लिखना चाहता हूँ जहाँ P2 रखा हुआ है, उस पॉइंट पे अगर फील्ड लिखूँ तो ये कैसा पॉइंट है? क्या इस P1 के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? भाई P1 है ऐसा, पॉइंट है इस तरफ, क्या ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? यस, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिखते हैं फील्ड तो कितना लिखा जाता है, एक तो आता है अपोजिट डायरेक्शन में और आती है इसका मैग्नीट्यूड KP/R³। तो मैं लिखूंगा KP1/R³ क्योंकि मैं P1 की वजह से फील्ड लिखना चाह रहा हूँ, E1। ओके, ये कहाँ पे है? एट द पोजिशन ऑफ P2, अभी जैसा हमने किया था वैसे ही। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ P2 ड्यू टू P1 इज E1 वेयर E1 इक्वल टू KP1/R³। तो अब लिखते हैं एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इन द फील्ड E1 कितना लिखा जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज P.E, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस P.E, P कौन सा? 2 की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? 1, तो P2.E1 ये लिखा जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ कि इस P2 और E1 में एंगल कितना है? P2 ऊपर तो E1 नीचे, ऐसा है ना, एंगल कितना? 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज अगर है तो डॉट प्रोडक्ट में एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्लियर है बात? अब मुझे बताओ, ये तो हो गया प्लस, P2 आपके पास कितना है? तो P2 ये, E1 कितना है? KP/R³। अब आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना U का, वो बना KP1P2/R³, दिस इज U विद अ पॉजिटिव साइन। आपसे पूछा गया फोर्स, तो फोर्स कैसे निकाला जाए? F=-DU/DR, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, तो KP1P2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/R³ का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 3/R⁴, है ना, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस 3KP1P2/R⁴, दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। नेगेटिव साइन मतलब क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो ठीक है, आएगा सबको सारा समझ में आ गया है। अगर मैं इसको ऐसा बनाता तो ये P1 और ये P2, अब एंटी पैरेलल बनाया मैंने इसको, दिस इज P1, दिस इज P2, सारी बातें वही अभी भी r डिस्टेंस पे है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता, फोर्स का नेचर कैसा होता? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? सोचो क्या चेंज हो गया यहाँ पे, कहाँ इस पूरी स्टेप में अपने को चेंज करना पड़ेगा? क्या यहाँ पे जब हमने इसकी लिखी एनर्जी विच इज माइनस P2.E1, अब
अगर इसकी वजह से मैं यहाँ फील्ड देखता हूँ ना, तो फील्ड भी आएगा इसी डायरेक्शन में E1, क्योंकि फील्ड आप लिख रहे हो 1 की वजह से, 1 है ऊपर की तरफ, तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ फील्ड है। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, P2 और E1, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रह जाएगा, जब नेगेटिव रह जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फाइनल आंसर में भी एक नेगेटिव आएगा, क्लियर है बात। तब फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से आप आराम से बता सकते हैं। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें अगर देखें तो दो डाइपोल था, एक ऐसा और दूसरा अगर मैं ऐसा बना देता तो क्या होता, अब बताओ मुझे कैसा फोर्स लगता। तो ऑब्वियसली अब कैसा फोर्स लगता है यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स लगता। और तुम ये डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कैसे, भाई ये एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ही तो बनता है डाइपोल। कौन कौन पास है, दो पॉजिटिव पास हैं, जब दो पॉजिटिव पास होते हैं तो क्या रिपल्शन होगा, ऑब्वियसली होगा। भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है ना कंपेयर टू दिस, तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। ऐसे ही जब इसका उल्टा बनाया था तो अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप इससे आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक अपनी बात हुई सारी की सारी डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेंस में कभी नहीं पूछा गया, जेई मेंस में, एडवांस में ज़रूर पूछा जाता है, पूछा भी जा, इस बार भी पूछा जा सकता है। नीट में कोई लेना देना नहीं है इस पूरे का, सिर्फ ध्यान होना चाहिए आपको कि कैसे अगर कभी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व किया जाए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है सीधा सीधा, और नीट में जनरली जो क्वेश्चन आएगा अगर आया तो वो आ सकता है जो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था, जिसमें ई का एक्सप्रेशन दे रखा था और आपको डाइपोल का एक्सप्रेशन दे रखा था, आपको एनर्जी निकाल के डॉट प्रोडक्ट से और डिफ्रेंशिएट करना था, वैसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है नीट में। अदर देन जेई एडवांस में तो ये हमेशा पूछा ही गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो नीट और जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डाइपोल पे बेस्ड हैं, कुछ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक। चलिए ये दो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, दोनों मेंस 2019 में पूछे गए, नीट वालों को भी ये क्वेश्चन करने हैं क्योंकि लेवल सेम ही है, जेई मेंस और नीट एक जैसा लेवल का आता है। तो क्वेश्चन एक बार आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर जो मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए आंसर आपका मैच होता है कि नहीं, या आपने कहाँ गलती की उसमें आपको समझ में आएगा। तो पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट डाइपोल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखी है -P0, डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन दे रखी है एक्स कैप, एक्स एक्सिस की तरफ। पूछा है इससे कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो कि वाई एक्सिस पे है डी डिस्टेंस ऊपर, इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से, पॉइंट डाइपोल है मतलब छोटी सी लेंथ है, आप लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं, अपना जो अप्रोक्सीमेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो y पे आपसे पूछा गया पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल y कैसा पॉइंट है, या पोटेंशियल को मैं v से डिनोट करता हूँ, तो v एट a, ये a जो है वो पॉइंट कैसा है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है ना। तो v एट a पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता था, 0। रिमेंबर माइनस का प्लस का दोनों के वजह से सेम होता था, माइनस प्लस मिलके जीरो हो जाता था, तो पोटेंशियल एट ए इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, -KP/R³, ये यहाँ पे है D³, क्लियर है बात। तो -KP/D³ डायरेक्शन आएगी ये, इसलिए आता है माइनस, क्लियर है बात। ये आपके दोनों आंसर हो गए। इतना आसान सा सवाल आपसे पूछा गया था अभी जेई मेंस 2019 का, ये आसान सवाल है। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपसे, कि एक डाइपोल यहाँ बन रहा है, दो चार्जेस फिक्स किए हुए हैं -Q and +Q, डिस्टेंस है a और a, मतलब टोटल डाइपोल लेंथ हो गई 2a। ये एक डाइपोल बन गया -Q+Q और 2a से, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दो पॉइंट्स P and P′। बोला गया कि एक चार्ज Q जो पहले P पे रखा हुआ था एक्सपीरियंस करता था एक फोर्स F, तो चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F, ठीक है। अब इस चार्ज को
जो क्यू चार्ज पहले यहाँ रखा हुआ था इसे मूव करके लिया यहाँ पे, अब ये क्यू चार्ज यहाँ रख दिया पी डैश पे। तो पूछा अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड न्यू फोर्स, एफ के टर्म में आपको आंसर देना है। कैसे करेंगे, देखो पॉइंट चार्ज है ना क्यू, पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अगर मैं ई लिख लूँ इस पे और इस पे तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा, बहुत आसान सवाल है। तो ई एट पॉइंट पी, पी और पी डैश दोनों ही क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट है, यस। कितना आएगा इस पे, के पी बाय आर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको आराम से, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अभी भूल जाओ, के पी बाय आर क्यूब हो गया इस पे फोर्स। तो जब इसकी वजह से फोर्स एट पी, अगर जब क्यू चार्ज पी पॉइंट पर रखा हुआ था तो कितना उस पर फोर्स लग रहा था, तो क्या लिखूंगा, क्यू इंटू ई एट पी, ठीक है। सोचो पी डैश पे जब इसको लिया है तो अब कितना हो जाएगा, अच्छा ये आर जो है, आर अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वाई, ओ पी आपको दे रखा है वाई, तो इसको लिख सकता हूँ वाई क्यूब, ठीक है। और अब पी डैश पे जब लिया है इसको तो कितना लिखूंगा, अब ये डिस्टेंस कितनी, ओ से पी डैश की वाई बाय थ्री, तो y बाय थ्री का क्यूब, क्लियर है बात। ये हो गया यहाँ का फील्ड, और अगर मुझे यहाँ का फोर्स लिखना है तो क्या लिखूँगा, p डैश पे फोर्स q इंटू ई एट पी डैश, ये हो जाएगा फोर्स। अब ये फोर्स तो आपको गिवन है f के बराबर, ये फोर्स आपको फाइंड करना है f डैश, दोनों का रेशियो ले लें आसानी से हो जाएगा। क्या लिखूँगा, f बाई f डैश इक्वल टू, देखो q से q तो कट जाएगा रेशियो में, रेशियो क्या आएगा, ई पी बाय ई पी डैश, दोनों फील्ड का रेशियो। ई पी कितना है, के पी बाय वाई क्यूब, नीचे कितना है, के पी बाय वाई बाय थ्री का क्यूब। सोचो ये वाई बाय थ्री, थ्री का क्यूब इज 27, 27 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद रेशियो जब लेंगे तो ये रेशियो आ रहा है आपके पास 1/27, दिस इज द रेशियो। आपको लिखना है एफ डैश, तो एफ डैश विल बी 27 f, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई खास बात थी क्या इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस चेंज करी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, सेम रेशियो में फोर्स चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वही फोर्स का भी रेशियो है, ठीक है। आसानी से किया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो दोनों ही क्वेश्चन 2019 में पूछे गए, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हमने किया था इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने बात की थी कि तीन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए थे, -2q + q + q, नेट डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो ऐसे बहुत आसान से सवाल मेंस में पूछे जाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ओके, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप पॉज कीजिए एक बार, इनको ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, पूछा आपसे कि इसकी एनर्जी बताइए, कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक डाइपोल को रखा गया इस तरीके से कि एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता है। अब फर्स्ट केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई आई कैप, और जिससे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ टाउ के कैप। सेकेंड केस में फील्ड लगाया √3 ej, उसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो है -(t1). तो आपसे पूछा कि अगर ये कंडीशंस हैं तो बताओ थीटा कितना होना चाहिए। पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए कर लिया, अब देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था तो आराम से, 2019 का ये मेंस 2019। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी और थीटा, पूछा यू, यू क्या होता है, -p.e, या इसको लिख सकते हैं -pe cos θ, यही होता था। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10^-29, वो है कूलम्ब इंटू मीटर, क्यू इंटू डी होता है, ठीक है। ई की वैल्यू है आपके पास 1000, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा यह आएगा -10^-26/√2, ये आपके आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बड़ा आसान सा सवाल था। इधर देखते हैं,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सिचुएशंस हैं जिसमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई कैप है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जे कैप है। दोनों बार टॉर्क आपको दे रखा है, एक बार टाउ वन है तो दूसरी बार माइनस ऑफ टाउ वन दे रखा है। तो पूछा कि ऐसा अगर सिचुएशन है तो एंगल कितना होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अपन अगर फर्स्ट केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग आई एक्सिस, अलोंग आई कैप है ना, ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दिस इज ई वन, यहाँ पे आपका पी रखा हुआ एट एन एंगल थीटा, ऐसा ही है। तो बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, रिमेंबर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ टाउ वन का तो लिखूंगा पी ई वन साइन थीटा। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन पी एंड ई, ये रहा पी ये रहा ई, यही एंगल है थीटा, बिल्कुल सही लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास मिला टाउ वन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई वन का मैग्नीट्यूड इज ई, तो पी ई साइन थीटा। ओके, बात करते हैं केस टू की। केस टू में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है रूट थ्री ई जे कैप, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा ई टू, और ये आपको दे रखा है पी और ये एंगल है थीटा। इस बार अगर आप टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क क्या लिखेंगे, टाउ टू, अगेन पी ई टू साइन थीटा, लेकिन इस बार एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, एंगल इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, तो इस बार आपको ये एंगल लेना पड़ेगा विच इज 90 माइनस थीटा। तो इस बार अपन जब लिखेंगे तो लिखेंगे पी ई टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर है भाई, देखो टाउ टू कितना आ जाएगा, तो पी ई टू, ई टू कितना है रूट थ्री ई, एंड वट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये आ गया, दोनों की वैल्यूज अपने को मिल गई। अच्छा, अगर इसने ये कंडीशन दी है कि टी टू इक्वल टू माइनस टी वन, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यस डायरेक्शन चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए। तो मैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करता हूँ, टाउ वन इक्वल टू टाउ टू, क्या मिलेगा ऐसे देखो, पी ई साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से आया रूट टू, सॉरी रूट थ्री दे रखा है अपन, रूट थ्री पी ई कॉस थीटा, पी पी कैंसिल, बना टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, कब होता है ये, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज हो। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था आपके पास, अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट ध्यान क्या रखना था आपको कि एक बार अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरी बार एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि एंगल इज ऑलवेज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, तो एंगल लेने में कभी गलती मत करना, आसान सवाल था बस ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एंगल कौन सा लेना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला तो पता ही है, पी क्रॉस ई होता है, तो पी साइन थीटा से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है बात, तो चाहे एनर्जी का क्वेश्चन आए चाहे टॉर्क का क्वेश्चन आए, आराम से सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए जेई एडवांस 2003 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक क्यू चार्ज ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस एक डाइपोल रखा हुआ है पी, जिसका डाइपोल मोमेंट है, और ये अभी इन्फाइनाइट पे है, मतलब इस ओरिजिन से बहुत दूर रखा हुआ है, ऐसा बोला गया। अब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ये टूवर्ड्स ओरिजिन चलना शुरू होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि जब ये इस ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, डाइपोल की, क्यू चार्ज तो फिक्स है, डाइपोल चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब वो डी डिस्टेंस पे होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो क्या आंसर है इसका। कर लिया, आइए देखें सॉल्व करते हैं। तो हुआ क्या कि अभी ये इन्फाइनाइट पे है, कुछ टाइम बाद ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, अरे ये यहाँ क्यों आया होगा, मैं इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एक, ऐसा क्यों, क्योंकि ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, ऐसा ही होता है ना डाइपोल। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इससे पास में है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा किससे, रिपल्सिव फोर्स से, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है मतलब ये इस तरफ चलना शुरू करेगा, और ये इस पोजीशन पे है जहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, इस पोजीशन पे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है।
अब काइनेटिक एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला पता है वो तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ना तो अपने को मास पता है ना वेलोसिटी पता है, तो और किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो जब भी ध्यान रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान दो। तो अपन बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अच्छा, शुरू में ये यहाँ पे रखा हुआ था डायपोल, तो जो भी है बस पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक तो जीरो है, लिख लेते हैं। चलो, प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए ओके, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, किस वजह से होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कोई फील्ड तो होना चाहिए तभी तो पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी। फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्लस क्यू। इस प्लस क्यू का फील्ड एट इन्फिनिटी जीरो, मतलब इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। अच्छा, ये इनिशियली रेस्ट पे भी था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, जीरो। तो इनिशियल एनर्जी जीरो है, मतलब किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी इसकी जीरो होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इस पोजीशन पे जब ये डी डिस्टेंस पे है इससे, तो इस डी डिस्टेंस पे इस क्यू का एक फील्ड होगा यहाँ पे, लेट्स से फील्ड इज ई, कितना होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर, लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज का फील्ड। उस फील्ड में ये डाइपोल है अभी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई। यही होती है पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की, माइनस पी डॉट ई। ई कौन सा, कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे ई, वो पॉइंट चार्ज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये अपने को निकालनी है, इसको अपन के लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि के कितना आ रहा है, पी डॉट ई, दिस इज के। ओके, अब देखो पी डॉट ई, पी वैक्टर है ऐसा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में एंगल होगा जीरो, तो ठीक है पॉजिटिव आंसर आएगा। और पी और ई, पी तो पी है, ई कितना लिखूं, तो के क्यू बाई डी स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज का फील्ड यही होता है, तो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी के पी क्यू बाई डी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ पे है। सेकेंड आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू दिस डाइपोल, ये आपसे पूछा गया। तो हमने पहले भी बात करी थी कि मैं एक डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालूं या फोर्स चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स निकालूं, दोनों एक ही बात होती है। तो आपको पूछा गया फोर्स ऑन द चार्ज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन क्यू इज नथिंग बट F इक्वल टू क्यू ई, यही होगा। और E किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से। भाई हमें चार्ज, हमें फोर्स निकालना है इस पर फोर्स किस वजह से आएगा, तो ये जो डाइपोल है इसकी वजह से जो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। अब डाइपोल ये रहा, यहाँ फील्ड निकालना है, क्या ये एक्शियल पॉइंट है, यस। और एक्शियल पॉइंट पे फील्ड जो लिखा जाता है, क्या ये फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ED, क्योंकि एक्शियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला आपने कितना लिखा था, 2kp बाय आर क्यूब, ये था ई बिकॉज ऑफ डाइपोल। और क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे, पी एंड ई, यस। तो पी इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ आर कितना है, यहाँ आर बेसिकली है डी, तो डी क्यूब, ये हो गया आपका फील्ड। तो अपन फोर्स लिख सकते हैं 2kq इंटू पी बाय डी क्यूब, this will be the force experienced by this point charge because of the dipole. Fixed है तो net force तो zero होगा obviously, पर पूछा गया dipole की वजह से कितना उस पर force लग रहा है, तो dipole की वजह से जितना field into उसका charge, ये उसका force हो जाएगा, clear? तो ऐसे सारे questions अभी तक इसमें पूछे गए हैं आज तक dipole पे related, ऐसे ही questions हैं, बहुत सारे questions हैं, आप खुद solve कीजिए उसको, doubt हो तो पूछ सकते हैं। सिमिलरली नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस क्वेश्चन से पहले तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वैसे हैं सारे, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, कहीं पे टॉर्क का फॉर्मूला है, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, कहीं पे आपसे बोला कि थीटा वन से थीटा टू तक घुमा दिया तो बताओ वर्क डन कितना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो उस पर पूछिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। ओके, अभी के लिए बाय बाय।